हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखते हैं कैसे कोई सर्किट डिजाइन की गई है और उसका आउटपुट पूछता है कि आउटपुट फाइनल आउटपुट क्या आएगा। जैसे ये सर्किट बनी हुई है तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि आउटपुट यफ यानी फंक्शन यफ की वैल्यू कितनी हो गई, ये अब फाइनल आउटपुट जो आ रहा वो क्या आ रहा है। जैसे एक सर्किट ये है, यहाँ पर आउटपुट पूछेगा कि क्या आ रहा है फाइनल आउटपुट, यानी यहाँ कोई वेरिएबल दिया रहेगा वो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स और वाई है, दोनों किससे जुड़े हैं, ये आर का साइन है, आर गेट का साइन है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स इनपुट हो रहा है और वाई इनपुट हो रहा है, जुड़े किससे हैं, आर गेट से। इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, ये आउटपुट आएगा। यहाँ क्या है, देखिए एक्स में नॉट है और जेड में नॉट है और दोनों किससे जुड़े हैं, आर गेट से, दोनों आर गेट से जुड़े हैं। यहां पे आउटपुट आएगा यक्स कंप्लीमेंट, यक्स का कंप्लीमेंट प्लस जेड का कंप्लीमेंट, यक्स कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट। और यहां क्या आ रहा, देखिए यहां पे क्या आ रहा, वाई और जेड किससे जुड़े हैं, आर गेट से। तो ये आउटपुट क्या आएगा, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। अब ये आउटपुट जो आ रहा वो इनपुट हो रहा है, तो इसका आउटपुट फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा। तो इन्हें को क्या करिए, यहाँ देखिए एंड गेट लगा, यानी इतना इतना ये सारे लिख दीजिए और बीच में क्या लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। तो यफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यफ की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डॉट, यहाँ पे अब चूंकि एंड गेट लगा है, एक्स प्लस वाई डॉट एक्स कंप्लीमेंट जेड कंप्लीमेंट, एक्स कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट और फिर वाई प्लस जेड डॉट वाई प्लस जेड। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, सर्किट बना रहेगा आपको आउटपुट पूछा जाएगा एक्स प्लस वाई और आपका एक्स प्लस वाई डॉट एक्स कंप्लीमेंट जेड कंप्लीमेंट डॉट वाई प्लस जेड। इसी तरह यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, निकालिए। तो ये फाइनल आउटपुट आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपका ए और बी है, ए और बी, तो यहाँ पे एंड गेट लगा है, इसका आउटपुट आएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी। यहाँ क्या हो रहा है, ए है और सी का कंप्लीमेंट है और किस गेट से जुड़ा है, एंड गेट से। यहाँ क्या आ जाएगा, एंड गेट लगा है, ए डॉट सी कंप्लीमेंट, ए डॉट सी कंप्लीमेंट। अब यहाँ देखिए क्या है, बी नॉट है और ए नॉट है और सी सिंपल है विदाउट कंप्लीमेंट के। तो यहाँ पे किससे जुड़ा, एंड गेट से। यहाँ आ जाएगा ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट डॉट सी, ये आ जाएगा इसका आउटपुट। अब ये इनपुट होके यफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए डॉट बी, ए डॉट बी, इसकी आउटपुट बता रहा हूं, यफ इक्वल टू होगा ए डॉट बी, आर गेट से जुड़ा है तो प्लस लगेगा, प्लस ए डॉट सी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, डॉट ना लगाए तब भी चल जाएगा, यानी इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ए सी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट डॉट सी, ये यफ का वैल्यू होगा, फाइनल आउटपुट ये आएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको देखना कैसे निकालना है। यहाँ पे देखिए जो इनपुट हो रहा है वही आउटपुट आएगा, जो इनपुट हो रहा है वही आउटपुट हो रहा है, फिर ये पूरा इनपुट हो रहा है। और देखिए गेट के अनुसार कौन सा गेट है, अगर एंड गेट है तो डॉट लगाइए बीच में और आर गेट है तो बीच में प्लस लगाइए। इस तरह से आपका आउटपुट निकाला जाता है किसी सर्किट का। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।